नमस्कार दोस्तों, कद्दू हमारे देश में भरपूर देखने मिलता है। कद्दू को कुम्हरा, कोदू और कोहड़ आदि नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम जिस कद्दू या पंपकिन की बात कर रहे हैं उसका लेटिन नाम कुकुरबिटा पेपो है। कद्दू के फल से क्या क्या बनता है ये तो हम सभी जानते हैं। पूरियों के साथ कद्दू की सब्जी का कोई तोड़ नहीं है। ये विटामिन ए से भरपूर सब्जी है। आज मैं इसके बीज के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बीज आपकी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। इसके बीजों में विटामिन, प्रोटीन्स, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे कई खास बायोएक्टिव केमिकल्स पेलकर पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स याददाश्त बेहतरीन के लिए सबसे अहम हैं। दिन में कम से कम 25 ग्राम बीजों को जरूर चबाना चाहिए। डिमेंशिया और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस वाली कंडीशंस में ये गजब काम करते हैं। बालों और स्किन की चमक बनाए रखने में भी ये बीज कमाल का काम करते हैं। जो लोग डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी यह काफी फायदेमंद है। अब तक आपने मिठाइयों में, लड्डुओं में चिपके हुए इन बीजों को देखा होगा। अब इन्हें अपने साधारण खानपान के साथ भी जोड़िए। जब भी ब्रेक मिले इसके 25 ग्राम बीज दिन में एक बार चबा लीजिए। कद्दू के बीज को सुपर सीड्स का दर्जा दिया जाता है। कद्दू के बीज, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज और ककड़ी के बीज, ये चारों बीज मगज यानी ब्रेन टॉनिक हैं। ध्यान रहे, आज के बाद इन चारों के बीजों को कोई फेंके ना। साफ धोकर इन्हें सुखा लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए और उपयोग में लाएं। कद्दू के बीज के अन्य फायदे, एनर्जी लेवल बढ़ता है, डायबिटीज कंट्रोल होती है, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर से बचाव, शुक्राणुओं को बढ़ाने में फायदेमंद होता है, हेल्दी हाई ब्लड प्रेशर होता है कंट्रोल। कद्दू के बीज का सेवन कैसे करें? कद्दू के बीज को आप सीधा भी सुखा कर खा सकते हैं। इसके अलावा भूनकर, भिगोकर, अंकुरित करके, सलाद में ऐड करके, सूप में डालकर या फिर पीसकर इसका सेवन कर सकते हैं।